नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के गांवों की बदलेगी सूरत। ऑनलाइन पिंडदान के लिए बिहार सरकार दे रही यह सुविधा। अभिजीत बने जेई एडवांस्ड में बिहार के टॉपर। कौशल विकास केंद्रों में अनियमितता मिलने पर राशि की होगी कटौती। IMEI नंबर से पता कर सकते हैं अपने खोए हुए फोन का लोकेशन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के गांवों की बदलेगी सूरत। अब गांव के सड़कों की स्थिति सुधरेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत इन सड़कों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 6162 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही दे रखी है। केंद्र सरकार ने इनमें से पहले चरण में 1390 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी थी। दूसरे चरण में हाल ही में केंद्र सरकार ने 2172 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। शेष 2600 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव भेजा जाना बाकी था। ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। SBI ने क्लरिकल कैडर के 5008 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर के कुल मिलाकर 5008 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 27 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दुर्गावती जलाशय इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है रोहतास का दुर्गावती जलाशय। सासाराम जिला मुख्यालय से मात्र 41 किलोमीटर दूर चिनारी प्रखंड में करमचट के पास स्थित है दुर्गावती जलाशय। मानसून में सासाराम के दुर्गावती जलाशय के आसपास का इलाका रमणीक होता है। इसका मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेगी। एक ओर ऊंचा पहाड़ तो दूसरी ओर कलकल करते झील का पानी मन को शांति और सुकून देता है। खासकर मानसून के समय इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। पूरा पहाड़ हरे भरे जंगलों से ढक जाता है और कई छोटे छोटे झरने भी पहाड़ों से गिरते देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इसका दृश्य देखने में बेहद मनोरम लगता है। प्रकृति के साथ फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहाँ आकर फोटोशूट करवा सकते हैं और करवाते भी हैं। ऑनलाइन पिंडदान के लिए बिहार सरकार दे रही यह सुविधा। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ऐसे में भारी संख्या में लोग गया के फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं पूर्वजों के लिए पिंडदान और किसी कारणवश आप गया नहीं पहुंच सकते हैं तो बिहार सरकार ऐसे लोगों के लिए एक विशेष सुविधा मुहैया करवा रही है। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 6 टूर पैकेज की शुरुआत की गई है। श्रद्धालु इन टूर पैकेज को ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी बिहार राज्य पर्यटन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से इस बार ई पिंडदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार के द्वारा इसके लिए केवल 21,500 रुपये का चार्ज रखा गया है। इसमें 3 जगहों पर पिंडदान होगा। पिंडदान की पूरी पूजा विधि विधान के साथ संपन्न कराई जाएगी। इसका बकायदा वीडियो बनाकर श्रद्धालु को भेजा जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा पिंडदान के बाद बोधगया, नालंदा, राजगीर और पटना घूमने की भी सुविधा है। अभिजीत बने जेई एडवांस्ड में बिहार के टॉपर। बीते दिन एनटीए ने जेई एडवांस्ड एग्जाम NTA ने JEE एडवांस्ड एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस बार बेगूसराय के अभिजीत आनंद ऑल इंडिया 15वीं रैंक के साथ बिहार टॉपर बने हैं। वहीं पिछली बार की परीक्षा में बिहार के टॉपर रहे पूर्वी चंपारण के आदित्य ने इस बार बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। JEE एडवांस में पूरे भारत में उन्होंने 17वां स्थान हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। इस बात की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं IIT बॉम्बे जोन के RK शिशिर ने पूरे देश में टॉप किया है। IIT दिल्ली जोन की तनिष्क काबड़ा लड़कियों में टॉपर बनी है।
यह जिला बनेगा टाइल्स इंडस्ट्री का हब। अब बिहार का भागलपुर जिला टाइल्स इंडस्ट्री का हब बनेगा। वो इसलिए क्योंकि भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर की मिट्टी भी सोना है। जी हां, आपको बता दें कि यहां उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। इससे उच्च गुणवत्ता का टाइल्स बनेगा। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग व्यापक कार्य योजना बना रहा है। वहाँ टाइल्स इंडस्ट्री लगाने की योजना है और इसी के साथ यहाँ उद्योग लगने से बिहार सरकार के खजाने में न केवल भारी भरकम राशि आएगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। माना जा रहा है कि विभाग को जितना राजस्व अभी आता है उसमें कई गुनी वृद्धि होगी। स्टार्टअप यूनिट के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। उद्योग विभाग ने स्टार्टअप यूनिट के लिए आवेदन का समय बढ़ा दिया है। इसका समय 30 सितंबर हो गया है। इससे पूर्व इसका समय अगस्त तक ही था। मालूम हो कि हाल ही में बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी जारी की गई है, उसी पॉलिसी के तहत यह आवेदन लिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पटना में स्टार्टअप को जगह देने हेतु विशेष जगह उपलब्ध कराई जाएगी। राजधानी पटना में पंजीकृत स्टार्टअप को करीब 25,000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि यह स्पेस मौर्या लोक ओवर फ्रेजर रोड में बनाया जा रहा है। यह नवंबर 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। नीतीश कुमार ने लिया बिहार में सूखे का जायजा। बिहार अभी दो तरह की आपदा झेल रहा है, एक तरफ सूखे की स्थिति तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। इस बीच बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सूखे तथा उससे फसलों पर पड़ रहे प्रभावों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मुंगेर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से जिले में धान आच्छादन और प्रखंडवार वर्षा के बारे में जानकारी ली। वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए उपलब्ध कराए गए बीज के बारे में समीक्षा किया। मुख्यमंत्री ने अब तक कितने किसानों को बीज मिला है इस बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को कृषि विभाग के साथ बैठक समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति का ठीक ढंग से आकलन कराएं। यह जानकारी ली जाए कि प्रभावित जिलों के प्रखंड पंचायत व गांव तक की स्थिति क्या है। इस काम को तेजी से पूरा किया जाए, किसानों को हर संभव मदद दिए जाने की योजना बने। आईआईटी पटना और एनआईटी में एडमिशन के लिए आज से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। मालूम हो कि बीते दिन एनटीए ने जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद अब आज से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं जीएफटीआई के कुल 114 इंजीनियरिंग संस्थानों की 620 से ज्यादा प्रोग्राम्स के लिए सुबह 10 बजे से, यानी आज सुबह 10 बजे से जोसा की ओर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वर्ष यह काउंसलिंग प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक 6 चरणों में संपन्न होगी। छात्र ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा के वेबसाइट पोर्टल josa.nic.in पर जाकर आज यानी 12 सितंबर से 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। बिहार में फिलहाल मॉनसून मेहरबान है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में ठनका गिरेगा और बारिश होगी। लोगों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बीते दिन भी राजधानी पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार नेपाल के तलहटी इलाके से एक तरफ टर्फ लाइन गुजर रही है, इस वजह से नेपाल के तलहटी में भारी बारिश की संभावना है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में भी जबरदस्त बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। कौशल विकास केंद्रों में अनियमितता मिलने पर राशि की होगी कटौती। बिहार सरकार अब राज्य में संचालित सभी 1690 कौशल विकास केंद्रों की जांच कराने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि सभी 38 जिलों में कौशल विकास केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जांच जिलों के अफसरों को जल्द सौंपी जाएगी। वहीं कुछ केंद्रों की अनियमितताओं पर सरकार गंभीर है। पिछले महीने विभाग ने कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की जांच की थी। इसमें 143 केंद्रों की अनियमितता पकड़ी गई थी। कहीं शिक्षक थे तो कहीं कंप्यूटर नहीं था। वहीं कई ऐसे भी केंद्र मिले जहां प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। यही नहीं, जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद विभाग ने ऐसे केंद्रों को दी जाने वाली राशि में से 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है। बीएसएससी ने तृतीय स्नातक स्तरीय सीजीएल की परीक्षा की तिथि की जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके बाद अब बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2023 के आखिर में जारी किया जा सकता है। वहीं प्रीलिम्स में सफल कैंडिडेट फरवरी 2023 से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको बताते चले कि बीएसएससी सीजीएल के तहत इस बार कुल 2187 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि
की पीटी की परीक्षा में अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित विषय के एक एक टेक्स्ट बुक ले जा सकेंगे। जमीन मालिकों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। मकान एवं जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से जमीन मालिकों ने पटना के जिलाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी प्रमोद कुमार एवं नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का पुतला जलाया और अपने गुस्से का इजहार किया। दरअसल मामला राजधानी पटना के बैरिया न्यू बस स्टैंड के पास मेट्रो डिपो को लेकर है। जमीन मालिकों का पहाड़ी मौजा में करीब 65 एकड़ जमीन इस मेट्रो डिपो के लिए अधिग्रहित की जानी है। इसी को लेकर जमीन मालिक बीते दिन उग्र हो गए। जमीन मालिकों का कहना है कि प्रशासन गलत तरीके से आकर जमीन को अधिग्रहित कर रही है। सभी लोग जान देने के लिए तैयार हैं और किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। अब भाजपा नेताओं से वापस ले ली गई वाई श्रेणी सुरक्षा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित बिहार भाजपा के 10 नेताओं की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली गई है। मालूम हो कि अग्निवीर योजना के दौरान भाजपा नेताओं पर हो रहे हमले को देखते हुए इन्हें वाई श्रेणी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन चल रही खबरों के अनुसार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज के MLC दिलीप जायसवाल की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस हुई है। इनके अलावा कटिहार से MLC अशोक अग्रवाल, दीघा विधायक संजीव कुमार चौरसिया, विस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और दरभंगा के विधायक संजय सारावगी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। हालांकि केंद्र के इस फैसले की सूचना उन्हें नहीं है जिन्हें सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि उनकी सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान अभी भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने डकरा नाला परियोजना की जांच करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिंचाई विभाग को वर्षों से मृत पड़े डकरा नाला पंप नहर परियोजना पर काम करने का निर्देश दिया है। डकरा नाला पंप नहर परियोजना एक बार फिर से शुरू होने के बाद मुंगेर जिले के जमालपुर, धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के साथ लखीसराय जिले के किसानों को सिंचाई से सहूलियत होगी। लगभग 1500 एकड़ खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। बीते दिन मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डकरा नाला का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल और जिलाधिकारी नवीन कुमार को डकरा नाला पंप नहर परियोजना को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन की। बिहार के पटना जिले में जन्मे शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता और टीवी कलाकार हैं। शेखर सुमन ने अपने थिएटर करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल वाह जनाब से की थी और उन्होंने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म उत्सव से की थी। उन्होंने सब टीवी पर जब खेलो सब खेलों की मेजबानी की और सोनी टीवी पर प्रसारित लोकप्रिय डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 4th सीजन में भाग लिया। उन्होंने अपने गायन की शुरुआत कुछ ख्वाब ऐसे नामक एक संगीत एल्बम के साथ की, जो 8 प्रेम गाथा गीतों का एक संग्रह है जिसका संगीत आदेश श्रीवास्तव द्वारा रचित था और गीत श्याम राज द्वारा लिखे गए थे। सुमन ने मई 2009 में पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और तीसरे पर आकर भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए। बिहार में लाखों मामले अनुसंधान के लिए लंबित। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय NCRB के द्वारा जारी डाटा को आधार बना रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में होने वाली घटनाओं में से सबसे अधिक घटना जमीन विवाद के कारण हो रहा है। पहले की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख FIR अधिक दर्ज हो रहा है। मौजूदा वक्त में लगभग 3 लाख कांड अनुसंधान के बिना लंबित हैं। ऐसे में जब तक इन कांडों का अनुसंधान नहीं किया जाएगा तब तक अपराधी फरार रहेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे। ADC जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के यहां एक बैठक हुई थी, उसमें 3,67,000 मामले प्रकाश में आए हैं जहां पर अभी भी पुलिस का अनुसंधान जारी है। ऐसे मामलों को हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया है जिसके लिए 2 लेवल की कमेटी भी बना दिया गया है। ललन सिंह का प्रशांत किशोर पर जुबानी हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रशांत किशोर पर ABCD वाले दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस मामले में लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू है। वहीं अब जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है कि ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार की बात है। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं, वह व्यापार करते हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग बांध लेते हैं। प्रशांत किशोर किसके लिए बिहार में काम कर रहे हैं सभी लोगों को मालूम है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना सुधरा है, लड़कियों के लिए कितना काम किया गया है, इसकी जानकारी रख लेना चाहिए। जिसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो राजनीति करेगा। वो CM नीतीश कुमार से मिलने का टाइम मांगते हैं, फिर प्रेस को बुलाकर कह देते हैं कि CM हमसे टाइम मांग रहे हैं।
बिहार वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर लगाया एक नया आरोप। बिहार सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। 3 दिन पहले वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार शिक्षकों के वेतन मद में अपना हिस्सा नहीं दे रही है। इसके बाद अब बीते दिन विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मद में भी केंद्र से तय राशि नहीं मिल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बिहार में कुल 37,91,883 पेंशनधारी स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ 29,96,472 पेंशनधारी के लिए ही केंद्रांश की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 5 महीना बीत जाने के बाद भी अगस्त 2022 तक पेंशन मद में केंद्र से 1 रुपया भी नहीं मिला है। सुशील मोदी ने वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पर किया पलटवार। बिहार सरकार के वित्त मंत्री के उन आरोप के बाद कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र भेदभाव कर रहा है का घिसा पिटा रिकॉर्ड चालू हो गया। 1 माह पहले तक तो एनडीए की सरकार थी, तो क्या उस समय भी अपनी ही सरकार के साथ केंद्र भेदभाव कर रहा था? मोदी ने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राशि बिहार को प्राप्त हो रही है, परंतु PFMS की नई व्यवस्था में शर्तों को पूरा करने में बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। इस कारण राशि प्राप्त होने में विलंब हो रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि 7500 से ज्यादा क्रियान्वित एजेंसियों का अभी तक PFMS पोर्टल पर बिहार मैपिंग नहीं करा पाया है, जो केंद्र से राशि निर्गत करने की अनिवार्य शर्त है। यह ट्रेन आपको ज्योतिर्लिंग से लेकर शिरडी साईं तक का कराएगी दर्शन। अगर आप कहीं धार्मिक स्थलों के टूर ट्रेन के सफर के साथ प्लान कर रहे हैं तो यह खबर शायद आपके लिए अहम हो सकता है। बता दें कि अगर आप ज्योतिर्लिंग और शिरडी साईं का दर्शन करने की इच्छा रखे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। IRCTC इसके लिए स्वदेश दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 10 अक्टूबर की शाम 4 बजे दरभंगा से खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर के रास्ते आगे तक की यात्रा करेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा स्टेशन से 11 दिनों की यात्रा के लिए 10 अक्टूबर को यह ट्रेन तीर्थ स्थलों के लिए रवाना होगी, पुनः 20 अक्टूबर को वापस दरभंगा लौटेगी। इस बार दरभंगा से खुलने वाली इस ट्रेन से उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी में साई दर्शन, शनि सिंह नापुर और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा। IRCTC ने स्वदेश दर्शन ट्रेन की बुकिंग शुरू कर दी है। स्लीपर क्लास का 18,450 और वातानुकूलित 3 AC का 29,620 रुपए रखा गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय तैराक मिहिर सिंह ने 1966 में डाडा नीलिस जलट मरुमध्य को तैर कर पार किया। सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 2008 में अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया। भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2009 को आखिरी दौड़ में अमेरिका को 3-1 से हरा कर 7वें स्थान पर रही। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का जन्म 1912 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 1922 को हुआ था। प्रसिद्ध रचनाकार रांगे राघव का निधन 1962 को हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन का निधन 1971 को हुआ था। भारतीय अभिनेता, गायक, पत्रकार तथा लेखन रंजन का निधन 1983 को हुआ था। फाइनल खबर में आज हम बात करेंगे ATM से रुपए निकालने पर लगने वाले चार्ज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ATM से रुपए निकालने पर लगने वाले चार्ज के बारे में। दरअसल PIB द्वारा एक ट्वीट में कहा गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ATM से 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर 173 रुपए काटे जाएंगे। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि अपने बैंक के ATM से हर माह 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद अधिकतम 21 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन या कोई टैक्स होने पर वह अलग से देना होगा। IMEI नंबर से पता कर सकते हैं अपने खोए हुए फोन का लोकेशन। आए दिन स्मार्टफोन खोने के मामले सामने आते हैं। सरकार की ओर से चोरी हुए फोन का IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर ब्लॉक करने की सुविधा तो दी गई है, लेकिन यह 1-2 मेट्रो शहर के लिए ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी की मदद से आपका खोया हुआ फोन शायद मिल भी सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
सबसे पहले आपको इसके लिए IMEI नंबर पता करना होगा। IMEI नंबर आपको फोन के बॉक्स पर भी मिल जाएगा। IMEI नंबर 15 अंकों का होता है जो एक बार कोड के ऊपर लिखा होता है। यह नंबर मिल जाने के बाद किसी अन्य फोन में गूगल प्ले स्टोर से फ्री में IMEI फोन ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप को फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको इस नंबर को डालकर सर्च पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके फोन की लोकेशन आपको एक मैसेज के जरिए मिल जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि फोन खरीदने के बाद IMEI नंबर लिखकर किसी सुरक्षित जगह पर रख ले। एशिया कप 2022 के खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को दी पटखनी। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 का खिताबी मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने बीते दिन रविवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 170 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। श्रीलंका के लिए प्रमोद मधुसूदन ने 4 विकेट, हर्षरंगा ने 3 और चमिका ने 2 विकेट चटकाए। श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के इतिहास में चौथी बार खिताबी मुकाबले में आमने सामने थी। इससे पहले इन दोनों के बीच 3 बार खेले गए फाइनल में श्रीलंका ने 2 बार और पाकिस्तान ने 1 बार जीता था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत सिंह, उमेश ऋषिदेव, सीकू भारद्वाज, रुपेश कुमार, पंकज कुमार दास, विकास कुमार, अर्जुन साह, रामनवमी मांझी, श्वेता कुमारी साह और श्रवण कुमार राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार श्रीलंका बनाम पाकिस्तान एशिया कप के खिताबी मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।